हाय एवरीवन, आज की हमारी रेसिपी है एक क्रीमी सी कैरमल पुडिंग। बहुत ही सॉफ्ट एंड क्रीमी पुडिंग, और इसके साथ ही मैं डेकोरेशन के लिए बना रही हूँ कुछ क्रंची नट्स। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल आपका डेकोरेशन आएगी इस पुडिंग की, और खाने में तो एकदम फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट। इसको खा के आपके फ्रेंड्स एकदम अमेज्ड हो जाएंगे। तो देखते हैं आज की रेसिपी। अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कैरमल कस्टर्ड बनाने के लिए ये हमने लिए हैं 2 ब्रेड स्लाइसेस, जिसके हमने साइड्स निकाल दिए हैं। अब हम बनाएंगे इसके ब्रेड क्रम्स। तो मिक्सी में डालकर 5-10 सेकेंड आप चला लीजिए और इस तरह के ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएंगे। अब हमने कढ़ाई में लिया हुआ है करीब 2 टेबलस्पून पानी। पानी डालने के बाद हम चीनी डालेंगे। यहाँ मैंने 1/3 कप चीनी ली है, और इसको हम हल्का सा चलाएंगे जब तक कि चीनी घुल नहीं जाती। गैस हमारी मीडियम पे ही है, मीडियम से हाई पर ही हमें गैस को रखना है, और इस तरह से आप चला दीजिए जिससे चीनी सारी घुल जाए। जब चीनी हल्की सी घुल जाएगी, फिर थोड़ी थोड़ी देर के लिए हम इसको छोड़ देंगे, चलाएंगे नहीं। गैस बिल्कुल मीडियम से हाई करके इसको हम छोड़े रहने देंगे और इसका कैरमलाइज होने देंगे। तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से बबल्स आ रहे हैं। अच्छे से आप इसको छोड़ दीजिए 20-30 सेकेंड तक, फिर हम थोड़ी देर चलाएंगे, फिर छोड़ेंगे। इस तरह से हम शुगर को कैरमलाइज करेंगे। तो हल्का सा इधर फिर मैं चला रही हूँ, साइड से भी आप हल्का सा चला दीजिए, और फिर हमने इसको छोड़ दिया है। ऐसे ही इसको बबल्स आने दीजिए। जब कलर ये ऐसे हल्का हल्का चेंज होने लगेगा, तब हम इसको चलाएंगे। हल्का सा जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तभी हम गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि अगर गैस खुली रहेगी तो ये ज़्यादा ब्राउन हो सकता है। तो जब इसमें हल्का हल्का सा इस टाइप का कलर आए, गैस को आप बंद कर दीजिए और इसको चलाते रहिए। इसका कलर अपने आप ही आप देखेंगे चेंज होने लगेगा इस टाइप से। कितना बढ़िया सा इसमें कलर आ रहा है, शुगर हमारी कैरमलाइज हो गई है। हल्का सा और इसमें ब्राउन कलर। तो जब इस टाइप का कलर आ जाएगा, तब हम इसको पलटेंगे। तो यहाँ मैंने एक केक टिन ले लिया है। तुरंत ही आपको ये स्टेप करना है, गरम गरम इसको पलटिए। सावधानी रखिए, शुगर बहुत गरम होती है, ये हाथ पे लग जाए तो बहुत जल जाता है। तो इसको आप पलटने के बाद इस तरह से रोल कर दीजिए। पैन भी एकदम गर्म हो जाता है, तो ध्यान से आप इसको पकड़िए, और हर तरफ इवेंटली हम इस कैरमल को फैला देंगे। तो एक कोटिंग पैन में हो गई है और इसको हमने फैला दिया है। अब ठंडा होने इसको रख दीजिए सेट होने के लिए। बाहर ये ठंडा हो जाएगा, फ्रिज में नहीं रखना है, 10 मिनट में ये सेट हो जाएगा। अब हमने यहाँ एक पैन में ले लिया है 1/2 कप दूध, और इसमें मिलाएंगे हम कस्टर्ड पाउडर। तो 3 टेबलस्पून नाप के, ये वाली जो स्पून है नाप के, आप कस्टर्ड पाउडर ले लीजिए, सारा डाल दीजिए, और अब हम इसको चलाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कस्टर्ड मिल्क में अच्छे से मिक्स हो जाए, कुछ भी फुटकियां ना रहें इसके अंदर। तो दूध और कस्टर्ड मिक्स हो गया है। अब हम डाल रहे हैं 1/2 कप गाढ़ा दही। पतला दही ना लें, थोड़ा गाढ़ा दही लें। इसको भी अच्छे से चला लीजिए, और दही को भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दही अब हमारा मिक्स हो रहा है। अब हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालते हैं, 1/2 कप क्रीम। फ्रेश क्रीम है ये, इसको हमने 1/2 कप क्रीम डाल दी है। सारी क्रीम को आप डाल के और इसको भी हम मिक्स करेंगे। रेशियो बहुत ही सिंपल है, सबका 1/2 कप लेना है हमें। 1/2 कप दही, 1/2 कप क्रीम, 1/2 कप दूध, और 3 टेबलस्पून हमने कस्टर्ड पाउडर लिया है। 1/2 कप ही हम डाल रहे हैं इसमें कंडेंस्ड मिल्क, थोड़ा इसको मीठा करने के लिए। तो इसको भी आप अच्छे से डाल दीजिए। तो कंडेंस्ड मिल्क हमने डाल दिया है, और साथ में हम डाल रहे हैं 3 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स जो हमने पहले बना के रखे थे। तो ब्रेड क्रम्स डाल के, और 1 टेबलस्पून एसेंस। यहाँ मैंने पाइनएप्पल एसेंस डाला है, आपको जो भी एसेंस पसंद है आप उस फ्लेवर का एसेंस डाल सकते हैं। इसको डालकर हम अच्छे से इसको चला लेंगे करीब 2-3 मिनट, जिसे सब चीज़ें अच्छे से विस्क हो जाएँ और मिल जाएँ। अच्छे से हम इसको बिल्कुल चला लेंगे। उसके बाद इस बैटर को हम ये देख लेते हैं, कैरमल हमारा सेट हो गया है। अब इस बैटर को हम इसके अंदर डाल देंगे, ऊपर से धीमे धीमे आप पोर कर दीजिए। अब हमें इस बैटर को करना है स्टीम।
तो यहाँ ये हो गया है। यहाँ हमने भगोने में या कुकर में जिसमें भी आप पानी डाल लीजिए और नीचे इस टाइप से स्टैंड रख लीजिए। स्टैंड पूरा पानी में डूबा हुआ होना चाहिए। और उसके बाद हम इसके अंदर जो हमने पैन रखा है वो हम रखेंगे। पैन को हम पहले कवर कर लेंगे फॉइल से, जिससे कोई भी स्टीम वाला पानी इसके अंदर ना जाए। तो अच्छे से इसको आप कवर करके और भगोने के अंदर रख दीजिए स्टैंड के ऊपर। और इसको हम ढक कर अब 25 से 30 मिनट तक सिम से मीडियम फ्लेम पर स्टीम होने देंगे। तो फ्लेम आप मीडियम पे रखिए और इसको 30 मिनट्स तक स्टीम होने दीजिए। अब ये स्टीम हो गया है 30 मिनट्स तक। अब हम इसको खोल के देखेंगे। खोलने के बाद हम इसमें नाइफ या स्टिक डाल के देखेंगे तो ये बिना चिपके बाहर आनी चाहिए। इसका मतलब पुडिंग हमारी हो गई है। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। यहाँ हमने लिया है आधी टीस्पून कॉर्नफ्लोर और एक टेबलस्पून पानी डालकर हम इसका घोल बना लेंगे। यहाँ मैं कैरामलाइज नट्स बना रही हूँ जो ऑप्शनल है, डेकोरेशन के लिए आप चाहें तो बना सकते हैं। 2 टेबलस्पून पानी हमने कढ़ाई में डाला, साथ में 1/3 कप शुगर। वैसे ही हमें कैरमल बनाना है जैसे हमने शुरू में बनाया था, पर थोड़ा सा डिफरेंट। अब हम इसको चीनी को घुला लेंगे, गैस मीडियम से हाई पर ही है, और साथ में हम डाल देंगे कॉर्नफ्लोर का घोल। अब हम इसको चलाकर कैरामलाइज करेंगे। उसी तरह से हमें कैरमल बनाना है। थोड़ा सा जब ये ब्राउन हो जाएगा तब हम इसको किसी डोंगे में या कढ़ाई में पलट लेंगे। इतने हम नट्स तैयार कर लें। यहाँ मैंने किशमिश, काजू, वॉलनट टूथपिक्स में लगा के रखे हुए हैं। अब इन नट्स को हम कैरमलाइज करेंगे। साथ ही में मैंने आइस बात रखी हुई है एक डोंगे में। आप खूब सारी आइस और थोड़ा सा पानी डालकर रख लीजिए, पहले से ये तैयारी कर लीजिए। और साथ में मैंने एक गत्ते का बॉक्स रखा है जिसमें ये हमारी टूथपिक्स घुस जाएँ, क्योंकि हमें इनको खड़ा रखना है। जब हम कैरमल इस पे डालेंगे तो कैरमल नीचे ड्रॉप करेगा, उसी की लेयर्स आएंगी। तो आप देख सकते हैं कैरमल हमारा तैयार हो गया है। गैस बंद करके अब इसको चला लीजिए एक मिनट, थोड़ा सा ये और ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद हम इसको डोंगे में पलट लेंगे और आइस पाथ पर रखेंगे। थोड़ा सा और कलर एकदम जैसे ही चेंज होगा, बहुत क्विक ये प्रोसेस करना होता है। अब इसको हमने डोंगे में डालकर आइस पाथ के ऊपर रख दिया है। आप देख सकते हैं तुरंत ही ये हल्का सा ठंडा हो गया है, गाढ़ा होने लगा है। अब ये जो नट्स हैं इसमें डिप करके आप फटाफट टूथपिक को जो हमने बॉक्स रखा है या जिसमें भी आपको सेट करना है उसमें आप लगा के रख दीजिए। कैरमल जो है वो नीचे टपकता रहेगा और उसकी लेयर्स बनती रहेंगी, थिन थ्रेड सा बन जाएगा। तो काजू को, किशमिश को, वॉलनट को इस टाइप से आप लगा कर रख दीजिए। नीचे फॉइल बिछा लीजिए, नहीं कैरमल आपका उस पर टपक जाएगा। तो इस तरह से आप लगा के रख लीजिए सारी चीज़ों को। आप देख सकते हैं पूरा सेट हो गया है कैरमल से। नीचे देखिए ड्रॉप हो रहा है कैरमल, इसकी बहुत थिन थ्रेड सा बनने लगता है। तो ये सारे मैंने इनको सेट करके रख दिया है। बाकी बचा हुआ कैरमल भी फटाफट इनके ऊपर हम हल्का हल्का ड्रॉप कर देंगे। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से थ्रेड आ रहे हैं हमारे नट्स के ऊपर। अब हम बिल्कुल इनको ठंडा होके कड़ा होने देंगे, एकदम हार्ड हो जाने चाहिए। तो ये हमारे नट्स एकदम तैयार हो गए। आप देख सकते हैं क्या बढ़िया सा थ्रेड आया है इनके ऊपर, साथ में नीचे नट्स। खाने में तो बहुत ही मज़ा आता है। इनको किसी ठंडी जगह रखिए, आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, गर्म जगह पर ना रखें। अब फ्रिज से हमने पुडिंग निकाल ली है, साइड से नाइफ लगाकर अब हम इसको निकालेंगे। तो हल्के हल्के से नाइफ लगाइए। कितना सुंदर सा कैरमल हमारा ऊज हो रहा है इसके अंदर से। जो प्लेट है उसको आप पलट के इस टाइप से इसको पलट लीजिए। ऊपर से कैरमल की लेयर, नीचे सॉफ्ट सी पुडिंग, साथ में कैरमल सिरप, सुंदर सी हमारी और डिलिशियस सी पुडिंग एकदम तैयार हो गई है। इसको हम डेकोरेट करेंगे जो हमारे कैरमलाइज नट्स हैं, वॉलनट, कैशोनट, रेजेंस, जो आपका मन हो सुंदर से आप बना के रखिए। और खाने में तो इतने क्रिस्पी क्रंची लगते हैं ये। इस टाइप से आप इनको धीमे धीमे डेकोरेट कर दीजिए इसके ऊपर। बढ़िया सी तैयार हो रही है हमारी कैरमल कस्टर्ड पुडिंग। ये वॉलनट लगाया मैंने, तो सारे नट्स आप इसी तरीके से, जितने नट्स आपको लगाने हैं आप लगा सकते हैं, साथ में एक्स्ट्रा नट्स साथ में भी रख सकते हैं। तो तैयार हो गई है हमारी कैरमल कस्टर्ड पुडिंग। तो आइए मैं इसको काट के भी दिखा देती हूँ। एकदम क्रीमी सॉफ्ट पुडिंग हमारी एकदम तैयार हो गई है। आप काटेंगे एकदम क्लीन लुक आएगा उसके अंदर। इस तरह से आप आराम से काट के इसको निकालिए, देखिए कितना फाइन पीस इसमें से निकल के आ रहा है। क्रीमी सी हमारी पुडिंग एकदम तैयार है, साथ में कैरमल सिरप, क्रंची नट्स। एक बार आप बना के देखिए और खा के आप एकदम खाते ही रह जाएंगे। तो तैयार है हमारी कैरमल कस्टर्ड पुडिंग।